शहर के अलग अलग हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से तैयार हो रहे फुटपाथों के निर्माण में अब बस स्टैंड से नादौन चौक तक सड़क के बाईं ओर भी राहगीरों को सुविधा मिलेगी, इसका काम शुरू हो रहा है। इसके अलावा जिन पेंडिंग फुटपाथों का निर्माण होना है उनके भी टेंडर हो गए हैं। यही नहीं, डीसी ऑफिस के बाहर उप डाकघर की बिल्डिंग के आगे रैन शेल्टर का भी निर्माण करने की योजना तैयार हुई है। लेकिन अहम फुटपाथ बस स्टैंड से नादौन चौक तक के लिए जो प्रस्तावित है उसके बन जाने से निश्चित तौर पर लोगों को बहुत फायदा होगा। वजह यह है कि इस सड़क के बाईं ओर पर्याप्त जगह तो ठीक है, लेकिन कई जगह पर ड्रेनेज भी बेकायदे हैं और रही सही कसर दुकानदारों ने भी पूरी कर रही है, क्योंकि 1 से 2 मीटर तक भूमि बेवजह ही राहगीरों की सुविधा के लिए बेकार पड़ी है, जिस पर कई लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो कई जगह निर्माण के बाद बेहतर हो जाएगी। अब क्योंकि फुटपाथ का निर्माण इस नई ड्रेनेज के साथ होना है, जाहिर है राहगीरों को सुविधा मिलेगी। इसका टेंडर हो चुका है और अब काम भी शुरू हो रहा है। उम्मीद यही है कि अगले कुछ दिनों में इस सड़क से होकर जाने वाले राहगीरों के दिन वाहनों की आवाजाही से बचने बचाने के फिर जाएंगे। लेकिन शहरवासियों की ये भी मांग है कि इस सड़क पर दाईं ओर वाले फुटपाथ की दशा दिशा भी सुधारी जाए, जिस पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्चिन विवेक शर्मा ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से फुटपाथों का ये निर्माण कार्य जारी है। जिस निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम हो रहा है उनके काम अवार्ड हो रहे हैं। बस स्टैंड तक बनने वाले फुटपाथ और ड्रेनेज का काम अवार्ड हो गया है, शीघ्र ही ये गति पकड़ेगा।